भारतीय सेना जल्द ही हाईटेक हथियारों से लैस नजर आएगी। आपको सीमा पर दुश्मन से लड़ने और घर में नक्सलवाद और आतंकवाद का अंत करने के लिए सेना को नई टेक्नोलॉजी के हथियार और औजार मुहैया कराए जाएंगे। मेक इन इंडिया से दहशत में दुश्मन, सेना की शान बनेंगे देसी हथियार। दुश्मन पर दहाड़ने और उसे पछाड़ने वाली भारतीय सेना अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाईटेक हथियारों से लैस हो जाएगी। सेना को मिलने वाले ये आधुनिक हथियार दुश्मन की नींद उड़ा रहे हैं। देश में बनी ये नई मशीनरी और औजार दुश्मन पर आफत बरसाएंगे। मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन घाव बड़े गंभीर करता है। इस लॉन्चर से जब बुलेट निकलेगी तो दहशत गर्दों को हिलने का मौका नहीं मिलेगा। 40 mm के मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से एक साथ 6 बुलेट निकलेंगी। इसकी मारक क्षमता करीब 400 मीटर तक है जो 200 मीटर के सर्किल को तबाह कर सकती है। पहले ये पूरा जो भी बनाया इंडिया में बनाया पूरा का पूरा पार्ट से है और इसका जो है 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर 6 बुलेट एक ही साथ में कर सकता है। सो इसके लिए मल्टी होगा। सो इसका रेंज होगा 400 meters और जो ग्रेनेड जो है गिरेगा वहाँ का 20 meters सर्कल जो है इसको नाश करेगा। सो स्पेशलिटी है। सो पूरा का पूरा जेव ग्रेनेड एक ही समय में आर में रख सकता है, इतना फास्ट ही है। सो रेट ऑफ फायरिंग ज़्यादा है और इसका कैपेसिटी भी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कर्बाइन अब नई टेक्नोलॉजी के साथ जवानों के हाथों में दिखेगी। ये कर्बाइन 1 मिनट में 800 राउंड फायर करती है। इसके रेंज करीब 200 मीटर तक है। इसका वजन कम करके 3 किलो किया गया है। ये पोर्टेबल हथियार है जो जरूरत पड़ने पर छोटा या बड़ा किया जा सकता है। साथ ही इसे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से चलाया जा सकता है, यानी इसे चलाने के लिए सिर्फ एक हाथ ही काफी है। आप देखते आए हुए कि इस तरह के हथियार का वजन काफी ज्यादा होता था और जब भी किसी गाड़ी या जीप के ऊपर हम लेकर चलते थे उसमें परेशानी काफी आती थी, लेकिन इस हथियार का वजन महज 3 किलो कर दिया गया है, जिसके चलते कोई भी सेना का जवान या सुरक्षा एजेंसी अपने पास से हैंडल इसे मूवमेंट करते हैं। हमने पुलिस को माइंड में रखते हुए एक ये जॉइंट वेंचर JVPC डेवलप की है जिसका वेट काफी पहले से बहुत कम हो गया है। इसका वेट लेस 9 kg है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल पिस्टल ग्रिप पे है, जिससे कि आप इसे सिंगल हैंड से फायर कर सकते हैं। आपको नहीं है कि आपको दोनों हैंड एंगेज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच, ये जवानों का नया रक्षा कवच है जिसे भाभा कवच का नाम दिया गया है। ये देश का सबसे हल्का और हाईटेक बुलेट प्रूफ जैकेट है। इस लाइट वेट जैकेट का वजन अब सिर्फ 9.5 किलो रह गया है। ये जैकेट बॉडी के ज्यादातर हिस्सों को कवर करेगा, यानी ये पहला जैकेट है जो 360 डिग्री तक जवानों की जान बचाएगा। 9 mm की गोली इस जैकेट को भेद नहीं पाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी से बना ये जैकेट हर मौसम और लगातार 8 घंटे बारिश में भी कारगर साबित होगा। जवान पहले की तुलना में इस जैकेट में और ज्यादा गोला बारूद भी रख सकते हैं। अब एक नए तरह का बुलेट प्रूफ इजाद किया गया है जो पूरे 360 डिग्री काम करता है चारों तरफ से। पहले अमूमन क्या होता था, आगे या पीछे सुरक्षा के जो मानक थे उन्हें पूरा किया जाता, लेकिन अब आप देख सकते हैं जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से इसको फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि कहीं से भी अगर दुश्मन का कोई गोली आता है तो उससे हमारे जवान बच सकते हैं। इसमें जैसे पहले जैकेट हमारे सुरक्षा कर्मी जो यूज कर रहे थे उसमें आगे और पीछे प्रोटेक्शन था लेकिन साइड से प्रोटेक्शन नहीं था, तो अब इसमें दोनों साइड से प्रोटेक्शन दिया गया है जिससे इसको अब बोला जाता है कि ये 360 डिग्री का प्रोटेक्शन देती है जवान को। वेक्टर ड्रोन से निगरानी, ये ड्रोन बॉर्डर पर दुश्मन की हर चाल पर कड़ी नजर रखेगा। ये देश का सबसे हाईटेक ड्रोन है।
वेक्टर ड्रोन दुश्मन की सीमा में 25 किलोमीटर तक जाकर 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें खास बात है कि ये उड़ान के दौरान आवाज नहीं करता। इसके अलावा ये 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर भी रह सकता है। इसके साथ ही ये पहाड़ी इलाकों में करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। नाइट विजन वाले कैमरों से लैस ये ड्रोन भारत को अगले साल मिलेगा। घाटी में मौजूदा हालात को देखते हुए ये हथियार सेना की ताकत बढ़ाएंगे, साथ ही दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करेंगे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।